मैं बात करूं तो सैमसंग का S10 Plus, सैमसंग का S10 Plus मॉडल का इन्होंने अपडेट डाला है, पेल के कैसे पेल के आए हैं और अपडेट, और आज 15 तारीख है, ठीक है, और मे भी आधे घंटे बाद ये 16 हो जाएगी। तो अगर मैं बात करूं इसके अपडेट में आपको दिखाना चाहता हूं, ये फोरम हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत। सो हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सभी लोग यार। दोस्तों एक वीडियो, ये अपडेट वीडियो है। इससे पहले मैंने एक ये स्टैक पे वीडियो बनाया था कि भैया ये इतनी सारी चीज़ें दे रहा है 151 रुपये के एक पर मंथ के सब्सक्रिप्शन पे। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ कि अब ये इसमें अब क्या अपडेट है, और ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं ये वीडियो नहीं बनाऊँगा दोस्तों क्योंकि फिर क्या मतलब मेरे चैनल का यार, क्योंकि यार मेरे चैनल को उस प्रोडक्ट को रिव्यू करना है जो रियलिस्टिक हो। अभी तक तो ये सही चल रहा है, बट मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगा कल को ये नहीं चले ना चले क्योंकि मेरा एसोसिएशन इसमें नहीं है, ना ही मैं बेच रहा हूँ या मेरी कंपनी है। ये एक चैनल रिव्यू चैनल है, आप इसको देख रहे हो, नॉलेज ले रहे हो, और ना ही मैं आपको फ्री दे रहा हूँ, ना ही मैं किसी तरह से बेच रहा हूँ, ना ही कोई सब्सक्राइबर बढ़ाने का कोई स्कीम चला रहा हूँ यार। ये सिर्फ नॉलेज दे रहा हूँ, सब्सक्राइबर बढ़ाने का एक स्कीम चला रहा हूँ, वो है नॉलेज। तो दोस्तों अभी इसमें ना पेल के कैसे पेल के आए हैं और अपडेट, और आज 15 तारीख है, ठीक है, और मे भी आधे घंटे बाद ये 16 हो जाएगी। तो अगर मैं बात करूँ इसके अपडेट में आपको दिखाना चाहता हूँ, ये फोरम से फोरम पढ़ते नहीं हो तो पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि अपनी लाइफ में आपने अगर ये सारी चीज़ अटेंड नहीं करोगे तो कल को क्या ही अपडेट लोगे, क्या ही मोबाइल बनाओगे, और क्या ही अपने आप को मोबाइल इंजीनियर कहते हो भाई। डेली अपडेट्स कमाटिक ईएस के अगर मैं बात करूं, न्यू मॉडल 16 तारीख बता रहे हैं, हो सकता है 16 को लॉन्च करें या जो भी ये इनके एरर या जो भी है भाई मुझे नहीं पता, पर 16 को हैं अभी। हाल फिलहाल हम इसको मैच करेंगे कि क्या इस सिस्टम में है। तो वाईफाई के इन्होंने दे दिए हैं, आप नोटिस करो यहाँ पर ऑडियो सर्किट, डिस्प्ले सर्किट, कैमरा सर्किट, नेटवर्क, वाईफाई, ये सारी चीज़ें हैं गाइडलाइन। सैमसंग के G975 ये मोबाइल है, और सैमसंग का G975 जो मोबाइल है अगर मैं बात करूँ तो सैमसंग का S10 Plus मॉडल का इन्होंने अपडेट डाला है, जो कि वर्ल्ड फर्स्ट होगा, क्योंकि सैमसंग का S10 Plus तो मुझे नहीं लगता है बोर्नियो ने दिया होगा, बट आया हो तो देख लो बोर्नियो में होगा या नहीं होगा। मैंने अभी मैच नहीं किया है बोर्नियो, अभी मैं खोल के अभी मैच कर लेता हूँ कि बोर्नियो ने दिया है कि नहीं दिया, क्योंकि मैच करना तो बनता है भाई। अगर मैं बात करूँगा, ठीक है, मैच करना तो बनता है, तो स्कीमेटिक दिए हैं MI टैबलेट, जो कि आपके वर्ड फर्स्ट हैं क्योंकि अभी तक किसी में कहीं पे नहीं है। MI टैबलेट से लेके MI टैबलेट 5 Pro 5G वाला भी, और सबसे इम्पोर्टेंट इन्होंने दिया है डैड टेस्ट पॉइंट आईफोन के S Max 6 से लेके S Max Max तक SX Max तक इन्होंने डैड पॉइंट दिए हैं। क्वालकॉम हो गए, इंटेल हो गए, हर तरह के बोर्ड के इन्होंने दिए हैं, तो आप नोटिस करो हर एक बोर्ड का दो दो बार यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो चलो बोर्नियो मेरा ख़त्म हो चुका है, बोर्नियो मुझे एक्टिवेट कराना होगा, कोई बात नहीं, ये मेरा दूसरा कंप्यूटर है, मेरे जो मेन कंप्यूटर है उसमें बोर्नियो इंस्टॉल है, कोई दिक्कत नहीं है। सो हम यहाँ बात करेंगे, आप मुझे कमेंट पे बताना कि ये जो G97 है या G75 है, क्या है G975 है, ये आपके बोर्नियो में S10 Plus अपडेट है या नहीं है, और है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि आप हम तो देख ही लेंगे। अगर मैं बात करूँ बिटमैप सिंगल लेयर में इतने का बिटमैप इन्होंने अपडेट किया है, और मल्टी लेयर्स में इतने का बिटमैप अपडेट किया है, जो कि हाल फिलहाल बहुत अच्छा है यार, क्या बुरा है। अब मैं इस टूल की बात करता हूं दोस्तों। सो ये टूल का आप देखिए, ये होम है, और मैंने कुछ सर्किट यहां पे खोल के रखे थे, तो मैं इसको बंद कर देता हूं यहां पर, क्योंकि मैं इसको टेस्ट कर रहा था कि क्या वाकई में ये वीडियो बनाने लायक है या नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि फेक वीडियो बन जाए, पता ही नहीं चले, आप खोलो तो आप कुछ नहीं मिले। तो दोस्तों इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर इनके एक घंटे बाद भी ये नहीं खुला तो भैया मेरी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये मैं नहीं रन कर रहा, ये इसका सर्वर इनके ऑनर्स के पास है, इनकी टीम के पास है, जो भी ये टीम है जहाँ के भी हैं, इंडोनेशिया है तो मुझे नहीं पता है, और देख लो आप मैं आपको सिर्फ नॉलेज दे रहा हूँ कि टूल मार्केट में है, आपको यूज़ करना नहीं करना आपके ऊपर है, ठीक है सर। और 151 रुपये सब्सक्रिप्शन है, अभी पता नहीं क्या कर रहे हैं, फ्री दे रहे हैं या क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, बट अपडेट आया है तो मेरे चैनल पे इसका अपडेट बनता है, ठीक है। तो दोस्तों अपडेट नोट 4 यहाँ पर भी ध्यान रखना, 16 नवंबर डाली गई है,
सो मे बी एक 16 नवंबर को आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। आप नोटिस करो डायोड वोल्टेज अपडेट भी यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो अब हम बात करेंगे, आप देखिए तो यहाँ पर आपको चार टैब मिलते हैं, जैसे कि मैं पहले बता दी, मैं इस टूल को समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि उसको समझाने का वीडियो मैं पहले डाल चुका हूँ, मैं सीधे अपडेट की बात करूँगा। ये आपके सेम वो हो गए, जैसे हम बात करें जो हमारे डायरेक्ट सोल्यूशन हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आईपैड के, अब जैसे उन्होंने बताया ये अपडेट डाले हुए हैं उन्होंने, नोटिस करो आईपैड के अपडेट डाले हुए हैं यहाँ पे, देखिए आईपैड एयर 3 वाईफाई वाला। सो आईपैड में एयर 3 वाईफाई में डाला, ऑब्वियस है अपडेट है इनमें। सो बैटरी कनेक्टर की हम अगर चेक करें आईपैड एयर 3, तो ये देखिए आईपैड का सर्किट है, काफ़ी कमाल की पीसीबी होती है इस पर। एक बार मैंने इसकी पावर आईसी चेंज की थी, आईपैड मे बी एयर होगा 1, तो कमाल था उसको बनाने में, बहुत मज़ा आया था इसमें। जो जो कॉइलें होती है ना बहुत बड़ी होती है, जैसे एक लैपटॉप में लगी होती है, नोटिस करो यहाँ पर, है ना। तो बाकी सर्किट वही है, कुछ अलग नहीं है। तो यहाँ पर बैटरी का अगर इन्फॉर्मेशन दूँ मैं आपको, सो देखिए बैटरी के अंदर, ये बैटरी के अंदर आपको यहाँ पर I2C सप्लाई देखने को मिलेगी, क्योंकि आने वाले सर्किटों में आप बैटरी में आपको BSI या B-Therm की लाइन नहीं देखने को मिलेगी, वहाँ पे आपको मिलेगा जैसे कि मैंने 5G में बताया था तो वहाँ पर I2C सप्लाई देखने को मिलेगी। सो यहाँ पर SMC यहाँ पर सप्लाई डाली गई है, SMC तो बेसिकली SCL और SDA 1.8 वोल्टेज के साथ, ठीक है। दो लाइनें यहाँ पर दी है और जिसके टेस्ट पॉइंट दे दिए हैं यहाँ पर, ये आपका मेन बैटरी है। सो बेसिकली ये बैटरी है और ये दो लाइन यहाँ से जा रहा है, और यहाँ से आने के बाद इसमें कंपोनेंट्स लगाए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये डायोड होगा, और अगर मैं बात करूँ सही तरीके से तो देख नहीं रहा है, पर ये डायोड होगा यहाँ पर, और काला, हम ये नहीं बोलेंगे काला रजिस्टर है क्योंकि बोलना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, जब तक आप खुद ना टेस्ट करें इसको, है ना। एक अच्छा टेक्नीशियन ऐसी फ़ोटो देख के कभी नहीं बोलता है। दूसरी चीज़ ये देखो, डायरेक्ट यहाँ पर जा रही है, ये तो मेन पावर है, तो ये एक IC में जा रही है, तो ये IC इसकी हो सकती है DC-to-DC हो, या हो सकती है इसकी फ्यूल गेज IC हो, तो इस तरह से ICO में ये जा रहा है आपका। अब नोटिस करना यहाँ पे एक MOSFET भी यूज़ किया गया है इन्होंने, सो यहाँ पर ये इसकी USB IC भी हो सकती है, जिसको हम टेस्टर बोलते हैं, या U2 IC, जिसको U2 भी बुलाते हो आप पुराने में, तो ये इसकी USB IC भी हो सकती है, जिसको हम U2 IC बुलाते हैं, Hydra IC बुलाते हैं, सो ये भी इसकी ये हो सकती है। सो खैर आगे बढ़ते हैं, और आपको क्या अपडेट देखने को मिला है यहाँ पर। और उसके बाद अगर मैं ये बात करूँ, ये मेरे स्कीमैटिक हो गए, स्कीमैटिक में तो कोई अपडेट नहीं है, और MI में अगर ये देखे, और नॉर्मल अपडेट है। अच्छा इसमें हाँ, एक और अपडेट मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ, आईफोन में अपडेट वो बता रहे हैं। सो आईफोन में जाऊँगा मैं यहाँ पर, नोटिस करो, और जैसे आईफोन 7 है, इंटेल खोलता हूँ, क्वालकॉम खोलता हूँ, क्वालकॉम ज़्यादा आता है 7 में, ठीक है। तो ये तो खैर लेयर आ गई PCB, मैं चाह रहा हूँ कि खुल जाए वो, जिससे हम ये देखें कि इसके डेड पॉइंट कैसे हैं। तो ये तो सर्किट खुल गया है यहाँ पर, काफ़ी बढ़िया यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पैरेलल में दो सर्किट के हिसाब से यहाँ पे खुले हुए हैं, नोटिस करो। अगर मैं, चलो ये खुल गया है, इसी को थोड़ा सा देखता हूँ, अगर ये डायरेक्ट टेक होता है तो देखिए डायरेक्ट टेक नहीं होता है, ये थोड़ी इसकी खामी है, इसको यहाँ सर्च करके लिखना पड़ता है, तो ये इसके लिए तो मैं बोर्नियो प्रगमाफिक्स को ज़्यादा बेटर मानूंगा इसके लिए। खैर तो मैं स्कीमैटिक में ना जाके गाइडलाइन पे जाऊंगा, और यहाँ पर आईफोन में टिक करूंगा, और आईफोन X क्वालकॉम खोलूंगा, जिसमें मैं खोलूंगा डैड टेस्ट पॉइंट, जो ये कह रहे हैं कि इन्होंने डाले हैं, ये देखिए। सो डैड टेस्ट पॉइंट ये इनका अपडेट है। सो ये क्या होता है, आइए थोड़ा सा चर्चा करते हैं। दोस्तों डैड टेस्ट पॉइंट वो होते हैं कि जब हमारे पास कोई आईफोन X आएगा तो हमें चार्जर लगा के, बैटरी लगा के नहीं, हमें इन जहाँ जहाँ कैपेसिटर पर लाइनों पर वोल्टेज है वो चेक करना है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये जो दो कैपेसिटर है, यहाँ पर आपको चेक करना है NAND के वोल्टेज आ रहे हैं 3.0, जो NAND के इनपुट वोल्टेज मिलेंगे, GPU के वोल्टेज हैं जो कि SRAM है, जो कि आपको 1. हाँ देखिए कोई वोल्टेज नहीं लिखा है इन्होंने, सो मैं इस कोई वोल्टेज नहीं बोलूँ तो ज़्यादा ही अच्छा है, स्कीमैटिक में देखकर ही बताएंगे कि वोल्टेज बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ये 4 लाख कैपेसिटर यहाँ पर यूज़ किया गया है, आप देख सकते हैं। तो ये जो कैपेसिटर है 4 लाख का नहीं होता है, इसकी अलग ही बनावट है, इसको मैं क्लास में कभी एक्सप्लेन करूंगा, या आप बोलिए कभी इस पर भी एक वीडियो बना देंगे। सो इस पर आप देखिए
GPU की लाइन आ रही है, यहाँ पर भी कोई वोल्टेज नहीं बता रहे हैं, और यहाँ पे SoC है दोस्तों 1.2 SoC मतलब सिस्टम ऑन चिप होता है। तो जहाँ जहाँ, और ये E कोर मतलब कोर वैल्यू होती है, जहाँ जहाँ ये वोल्टेज दे रहे हैं वहाँ वहाँ आपको ये वोल्टेज चेक करना है, और वोल्टेज के साथ ये डायोड वैल्यू भी बता रहे हैं ताकि आप इसको मेजरमेंट करके कूल टेस्टिंग कर सकें। तो यही अपडेट है इसका। और मल्टी लेयर्स में तो अपडेट नॉर्मल ही है, फोल्ड वोल्ड के मल्टी लेयर्स दे दिए हैं यहाँ पर, सो नोटिस कीजिए। तो जितना अपडेट, जैसे यहाँ पर तो ऑलरेडी ये सारे चीज़ तो पहले से ही खोल के रखी थी हमने यहाँ पर, ये देखिए। तो ये आपके मल्टी लेयर्स के अपडेट हैं आपको यहाँ पर। तो इस तरह से कुछ आपको वर्क मिलेगा और इस तरह से कुछ अपडेट देखने को मिलेगा। सो कैसा लगा वीडियो? अपडेट के लिए डाला गया है कि अपडेट दे रहा है, और 151 में अगर ये इतना सब कुछ दे रहा है कि आप आगे भी इसको 151 में परचेस कर लो, महीने भर चलाओ, दो तीन महीने चलाओ। मैं ये बोलता हूँ कि पूरा मत परचेस करो, सिर्फ 151 में परचेस कर लो। कल को बंद हो गया तो मैं इसका भी वीडियो बनाऊंगा कि देखो देखो कंपनी भग गई, पर हम यही कोशिश करेंगे कि बंद ना हो, और यही कोशिश करेंगे कि आगे लंबा चले। अगर ये जुड़ा हुआ है तो आगे लंबा चले, और अगर इसको अच्छा काम करना है तो मुझे नहीं लगता ये बंद होगा। क्या आपके राय हैं, क्या आपके कमेंट्स हैं, मुझे नीचे डालिएगा कि क्या ये आगे जाके बंद हो सकता है। या ये बिल्कुल मत बोलिए कि इसकी टक्कर बोर्नियो से है, बोर्नियो एक अपने अलग ही पायदान पे है, प्रगमा फिक्स एक अलग पायदान पे है, और ये अपने अलग पायदान पे है। सो दोस्तों हर एक का अपना अलग अलग कंपनी है, हर एक का अपना अलग अलग काम है। फॉर एग्जाम्पल आप मर्सरीज सबसे बेस्ट है, पर इसका ये मतलब नहीं होंडा अपनी कार बनाना ही बंद कर दे क्योंकि मर्सरीज बेस्ट है। होंडा अपनी लेवल पर बनाएगी, मर्सरीज अपने लेवल पर बनाएगी। सो आप इसको होंडा बोल सकते हो, और प्रगमा फिक्स को बोर्नियो को मर्सरीज बोल सकते हो। खैर अगर ये अपडेट करेंगे तो ये मर्सरीज से भी ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पे हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, इस लाइन में वही टिकेगा जो अपडेट रहेगा। कैसा लगा ये वीडियो बताएगा जरूर, और मेरी मेहनत तो एक लाइक के एक कमेंट तो बनता है। थैंक यू वेरी मच। तो आपको ये देखकर और अच्छा लगा होगा कि एक इंस्टीट्यूट बैकअप को भी सपोर्ट दे रहा है ना, मतलब पुराने स्टूडेंट को भी बुला रहा है, सपोर्ट दे रहा है। लास्ट डे क्या करके गया? लास्ट डे हम लोगों ने डबल डेकर सीपीयू को मतलब जो है निकाले, और उसके बाद रिबोल भी किया, उसको लगाए भी पूरा पूरा। लास्ट डेट आपने क्या किया? सर डुअल टेकर सीपीयू आपने रिबोलिंग और रिबोलिंग किया, निकाला, क्लीन किया, वो मैटर समझ में आई आपको? बिल्कुल सर। सीपीयू भी किया, लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डबल डेकर किया है। डबल से लास्ट डे क्या करके गए? सर डबल टेकर किया लास्ट में। डुअल टेकर किया ना, आपने लास्ट डे क्या किया? डबल टेकर सीपीयू करके गए। चाहता हूं आखिरी दिन आपने क्या किया? सर डबल डेकर सीपीयू कैसे रिबोल करके लगाना है, क्लीनिंग प्रोसेस, ये सारी चीज की। ये आपने किया, सारे स्टूडेंट ने की? सब स्टूडेंट ने। आज आपने क्या किया आज के दिन बताओ? सर डबल डेकर क्या है, मैंने ओपनिंग, क्लीनिंग और रिबोलिंग। बहुत अच्छे किया आपने, पहले आप पूरी क्लास में पहले थे जिसने सबसे पहले डन किया। बिल्कुल। आज आपने क्या किया आज के दिन में बताया? आज हमने डबल डेकर किया सर। डबल डेकर किया आपने? आप मेरे साथ जिन्हें आज आपने क्या करवाया? सीपीयू डबल डेकर जो होता है उसको निकाल के रिवॉल्व करके वापस पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करवाई। आप मेरे साथ ने क्या किया आज के दिन? सर डुअल डेकर सीपीयू आपने क्या क्या किया उसमें बताया? सर डुअल डेकर निकाल के फिर लगाए, मतलब उसका रैम क्लीन करके और उसका सीपीयू, और किस सिस्टम से किया? यूनिवर्सल प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता? सर बिल्कुल मिलता है। आज आपने क्या किया? डुअल डेकर सीपीयू किया यहाँ पर। या आपने खुद किया? खुद से? यस सर खुद किया। आपने क्या किया आज के दिन का बताओ? आज डबल डेकर सीपीयू कर रहे हैं आप, उसको भी किससे किया आपने? यूनिवर्सल स्टेंसिल से। यस सर यूनिवर्सल। ऐसा कुछ आपने आज आखिरी दिन क्या किया? आज आखिरी दिन था सर, हम सब ने ना ड्यूल डेकर सीपीयू सर, रैम और सीपीयू उतार के दोबारा लगाया सर सभी बच्चों ने, और सीपीयू उतार दिया था। आज आपने क्या किया? आज सर ड्यूल सीपीयू। किस कौन सी तारीख को आए थे? सर हम 25 पर। क्या किया आज के दिन बताइए बस। सर हमने ड्यूल डेकर किया। आपने मेरे साथ सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट।